Hello folks, welcome to my channel Researchers Enigma. So today I'm traveling to Roorkee for a conference and title से तो आप सब समझ में आ गया होगा कि एक travel video है. So बाकी का details मैं रास्ते में देता हूँ क्योंकि मैं बहुत late हो रहा हूँ. So I'm back. और अभी मैं train में बैठ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 12:04, 24 तारीख और बहुत लंबा सफ़र है 30 घंटे का. 25 तारीख की मॉर्निंग पहुंचेंगे और वैसे ये 30 घंटा बहुत बोरिंग हो सकता है, लेकिन है मेरे साथ मेरे लैब मेट्स. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय ओनली जूनियर वैष्णवी चिकले. वैष्णवी हाउ आर यू फीलिंग? ट्रेन चल दी. आई एम फीलिंग गुड. ट्रेन चल दी, जरा दिखाइए कैमरा पर्सन उधर. एंड देन मुदस्सर टॉर्च बंद कर. 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले YouTube सेंसेशन मुदस्सर अली खान. ये है मेरी कैमरा पर्सन नेहा मिश्रा. आर यू एक्साइटेड एंड एंग्शियस अबाउट योर प्रेजेंटेशन? एंग्शियस अभी तो नहीं, फिलहाल कल शाम से कुछ कुछ होगा. फिलहाल तो जस्ट एक्साइटेड फॉर रोड. कैसा फील हो रहा है? मिक्स्ड फीलिंग है. शादी कर रही हो? इससे पूछा कैसा फील हो रहा है, कह रही है मिक्स्ड फीलिंग है. दादी का खजाना लेके आई है जो. ये है वो दादी का खजाना. कहाँ वीडियो एडिटिंग कहीं पर भी थमता नहीं है, तो यहाँ पर भी जो लास्ट मैंने एयर प्योरीफाइंग प्लांट वाला वीडियो डाला था उसका थोड़ा सा पोर्शन एडिट करना बाकी था, तो वो मैं इस टाइम पे कर रहा था. और बाकी जो लोग हैं वो लूडो के खूंखार खेल के बाद थक गए थे तो वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे. समवेयर इन राजस्थान बिफोर कोटा हमको ये विंड मिल्स दिखे और विंड मिल्स के साथ ये ब्यूटिफुल सीनिक व्यू भी था. तो प्रेजेंटली वी आर इन कोटा स्टेशन. बहुत जोर से मैं बोल रहा हूँ. और कितना टाइम हो रहा है? 6 बज रहे हैं. सभी स्टूडेंट्स के लिए कोटा जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई स्टोरी का पार्ट होता है, तो हमारे लिए भी था. एंड हम काफी एक्साइटेड थे टू रीच कोटा स्टेशन और काफी लंबा स्टॉपेज भी था, इसलिए हमने डिनर वगैरह भी यहीं से ले लिया. और ये 25th के अर्ली मॉर्निंग का व्यू है. रुड़की पहुंचने में काफी समय था, लाइक 2 घंटा, लेकिन क्योंकि मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, तो मैं काफी जल्दी उठ गया था. फाइनली यहाँ से हमको नॉर्थ वाला फीलिंग आना चालू हुआ. कोहरा ही कोहरा था पूरी जगह. और ये जस्ट रुड़की पहुँचने से पहले थोड़ा अपना हुलिया ठीक करते हुए मैं फाइनली रुड़की पहुँच चुके हैं. खतरनाक ठंड है, खतरनाक. और ये हमारा जो रूम हमको मिला था इन IIT गेस्ट हाउस. वेलकम बैक गाइस. तो अभी हम हैं अपने रूम में और सुबह का मैं ब्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि बहुत नींद में था और बहुत हड़बड़ था, तो जल्दी जल्दी जाना था. बट अभी हम बीच सेशन को स्किप करके आए क्योंकि आफ्टर लंच हमारा ओरल प्रेजेंटेशन है, तो उसका भी तैयारी करना है. और बहुत थका थका लग रहा होगा, नींद नहीं हुई है, लेकिन आज का दिन बस चला जाए, उसके बाद कल से तो आराम से हो जाएगा सब कुछ. आप देख रहे हैं मुदस्सर तैयारी में लगे हुए हैं. मुदस्सर क्या आपको डर लग रहा है, क्या आपको खौफ है? मुदस्सर इज चिल. और बाकी कोई आगे जो भी होगा वो मैं आज शाम में अपडेट करता हूँ आफ्टर द प्रेजेंटेशन. बिफोर प्रेजेंटेशन अगर हुआ, अभी मैं बहुत कॉन्शियस हूँ पब्लिकली ब्लॉग बनाने में, तो अगर वो मेरा कॉन्शियसनेस चला जाता है तो मैं ब्लॉगिंग करूँगा, नहीं तो आपको शाम को मिलते हैं. फिर से वापस जा रहे हैं वेन्यू के लिए एंड अभी लंच होगा एंड फिर उसके बाद ओरल प्रेजेंटेशन है. पेट में बहुत वियर्ड चीज़ें हो रहा है. I am a PhD student under Dr. Ashok Kumar Verma at ACTRAC Navi Mumbai, and the title of my presentation is Structural Alterations in the Kinase Domain of EPS7 Tyrosine Kinase Receptor due to Clinically Relevant Mutations. तो लास्ट जो आपने क्लिप देखा वो मेरे प्रेजेंटेशन का था जो कि मोर ऑर लेस ठीक ही गया. उसके बाद जो है वो बैंक्वेट था जो कि गाला डिनर होता है. एंड उसके बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो मैं आगे कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाया. हियर आई एम एंडिंग द पार्ट 1 ऑफ रुड़की व्लॉग्स.